हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये हमारी डैशबोर्ड की क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। जी हाँ, डैशबोर्ड की कंप्लीट क्लासेस की रिकॉर्डिंग है ये। डैशबोर्ड जो आप देख पा रहे हैं, इस कोर्स की सारी वीडियो जो आपको हमारे ऐप पे मिलेगा। लेकिन हम चलिए, हम ऐप के बारे में बाद में बात करेंगे। हम पहले बात करते हैं कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी अभी हमने एक डैशबोर्ड idashboard.com वेबसाइट है, जहां पे बहुत अच्छे अच्छे डैशबोर्ड दिखते हैं। हालांकि डैशबोर्ड जो है उनके अपने सॉफ्टवेयर से बने होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेल में कोड करने की कोशिश करते हैं। तो एक ह्यूमन रिसोर्स का डैशबोर्ड है, जिसका सैंपल डेटा हमने तैयार कर लिया है। अब मुझे इसमें क्या करना है, हेड काउंट का जो आपको देख रहे हैं, हेड काउंट का ए वाला पार्ट तैयार करना है। जी हाँ, हेड काउंट का ए वाला पार्ट हमें तैयार करना है। इसमें हमें करना है क्या है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है उसकी व्यू इस तरह से आ जाए। तो कैसे आएगा, चलिए हम बताते हैं। तो हमारे पास डेटा ए रहा और ए रहा हमारे पास डैशबोर्ड। एक हम यहाँ पे सपोर्ट के लिए सीट ले लेते हैं। और हम यहाँ सबसे पहले तो अपनी डिपार्टमेंट को कॉपी करके यहाँ पे डालते हैं, और यहाँ हम करते हैं सबसे पहले डेटा में रिमूव डुप्लीकेट्स, ताकि डुप्लीकेट रिमूव हो जाए। और यहाँ पे हम काउंट लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट का कितना काउंट है। इसके लिए हम लगाते हैं काउंट इफ का फॉर्मूला, और काउंट इफ में हम डेटा में जाते हैं और डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करते हैं, और वापस सपोर्ट में हम फाइनेंस को सेलेक्ट करते हैं। तो हर डिपार्टमेंट की काउंट यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे हम टोटल, यहाँ पे टोटल करते हैं, और टोटल के लिए हम इसको सम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं सबका एक 413 है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो चलिए कुछ डेटा को हम चेंज करते हैं। इसमें हम अभी हम अब चलते हैं सपोर्ट में। अब यहाँ पे 415 16 6 14 इस तरह से आ गया। थोड़ा सा और हम चेंज करते हैं, मार्केटिंग को बढ़ा देते हैं, आईटी को यहाँ बढ़ा देते हैं, सेल्स को यहाँ बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को भी बढ़ा देते हैं, फाइनेंस को भी बढ़ा देते हैं। तो अब सपोर्ट में देखिए अब थोड़ा सा डिफर आ गया। अब मुझे क्या करना है, डैशबोर्ड पे इस तरह का जो हरकली है ये हमें बनाना है। तो कैसे बना इसके लिए, हालांकि यहाँ हम देख सकते हैं अपने यहाँ पे हम स्मार्ट आर्ट के अंदर में यहाँ पे हो सकता, लेकिन ये हमारे मन के मुताबिक मुताबिक नहीं है। तो हम इसको हटाते हैं और यहाँ हम जाते हैं सैप्स में, और हम यहाँ सर्कल लेते हैं। सबसे पहला सर्कल यहाँ पे हम लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, पहला सर्कल लेते हैं, और इस पहले सर्कल को थोड़ा सा अच्छा डिजाइन देते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि इसलिए मुझे इसमें फिगर भी देखना है।
फिगर को भी देखना है, तो हम सैप में नो फिल करते हैं इसको जी, बट आउटलाइन को हम ब्लैक से फिल करते हैं, और इसकी आउटलाइन का जो ब्रेथ है, मोटाई है, वो थोड़ा बढ़ा देते हैं। और ये जो है इसको हम करते हैं मर्ज, और इसमें हम ओवरऑल टोटल को लेते हैं सपोर्ट से, और इसकी कलर इसकी व्हाइट और इसको ब्लैक करते हैं। नहीं, ब्लैक रखते हैं, सबको ब्लैक करते हैं। नहीं, इसको ब्लैक करेंगे और इसको व्हाइट। अगर इसको हम फॉर्मेट शेप फॉर्मेट में आते हैं, इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं ब्लैक से, तो पीछे का एरिया बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए तो शायद दिखे। इसकी बैकग्राउंड हटा देते हैं, बैकग्राउंड जरूरत नहीं है इसकी, और इसकी जो विड्थ है, इस विड्थ को हम बढ़ा देते और इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा सा फॉर्मेट में हम इसको और बड़ा करते कोई और कलर भी हम ले सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसमें हम इसी चीज को, इसी फॉर्मेटिंग को, इतना एरिया को हम कॉपी करते हैं और यहाँ नीचे रखते हैं, वापस कितने हमारे डिपार्टमेंट है सपोर्ट में, 5 है, 4। नहीं, ये सही है, हमें इसको नहीं रखना, इसको यहाँ और इसको यहाँ, 5 हो गया। ज्यादा हो गया, छोटा करते हैं।
ठीक है, साइज ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वापस इंसर्ट में, सेट में, और हम यहाँ पे इसको इसके तो इस तरह से कॉर्ड है ना, तीन और दो है, सही तो है। तो हम इसी चीज को लेते हैं, ये हमने बनाया और गलत है, इसको थोड़ा सा डिलीट मार देते हैं। हम लाइनिंग इंसर्ट करेंगे और इसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक, फॉर्मेट सेव, और इसमें मोटा बॉर्डर, और हम इसको नीचे की तरफ रख लेते हैं। फिर वापस इसको लेते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेट, मोटा बॉर्डर, साइड। बिल्कुल सही है। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, इसे मोटा बॉर्डर यहाँ और सेम राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, इसको राइट क्लिक, फॉर्मेट सेट, मोटा बॉर्डर, ऊपर और साइड। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेट, लेना नीचा, और इस मटेरियल, और इसको दे दे, परफेक्ट हो गया। अब हमें इसके अंदर जो ये है सपोर्ट में, इसको हमें करना है पहला वाला, देन इस पे आना है इक्वल, हमें सपोर्ट में सेलेक्ट करना है दूसरा वाला, इसमें हमें करना है सपोर्ट में तीसरा मार्केटिंग, इसको करना है हमें राइट क्लिक,
सपोर्ट में सेल्स, और हमने यहाँ पे इक्वल वापस सपोर्ट में गए और आई राइट, ये चार ही है, एक और चाहिए ना हमें, दो तीन दो में रहता, हाँ 3 2 5 ही तो है इसको सिलेक्ट करके हमने सपोर्ट में फाइनेंस सिलेक्ट लिया 398 398 नहीं फाइनेंस लिखा होना चाहिए ना, 398 फाइनेंस है, सपोर्ट में फाइनेंस। अगेन इसको हमने मर्ज किया और इक्वल सपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा सा इक्वल सपोर्ट में मार्केटिंग करना तो कॉपी कर लेते हैं। फाइव सेल्स सिक्स राइट, तो ये हमारा हो गया, हमने डैशबोर्ड बना दिया, डेटा भी हमारा यहाँ से पुल हो रहा है यहाँ से। इसको और बेटर करना चाहें तो आप इसको यहाँ से, एक मिनट में यहाँ जाता हूँ पेज लेआउट में, और पेज लेआउट के अंदर हम इसकी ग्रिड लाइन को हटा देते हैं और उसके बाद इसको हम पूरे को यहाँ से यहाँ पूरे यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद किसी और जगह किसी और शीट पे हम इसको वापस इसकी ग्रिड लाइन हटा इस पे पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए हम यहाँ पे पिक्चर कर रहे हैं पिक्चर लिंक, तो पिक्चर भी हो जाएगा। जिस पिक्चर करने का पर्पस है कि ताकि हम इसको आराम से छोटा कर सके इस तरह से, और जहां यूज करना चाहे वहां पर यूज कर सकते हैं। सिंपल कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अगला जो टॉपिक आता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये बीच में रहेगा क्योंकि इसके अलावा ये बहुत सारे चार्ट्स हैं, इसमें छोटे इसको थोड़ा सा छोटा और करना होगा हमें, काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। सही दिख रहा है, यहाँ पे एक और चार्ट होगा, लेकिन उससे पहले इसको उससे पहले हम एक और आम काम इस पे करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो ये पूरा आपको दिख रहा है ना ओवरऑल,
मार्केटिंग का हेड कौन सा है, इसका हेड कौन सा है, पूरा अभी डेटाबेस में भी हमारे पास दिया हुआ है कि कौन सी टीम से कौन है मार्केटिंग वगैरह का। तो अब यही चीज हमें यहाँ पे करना है कि मुझे पता चले कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि ये आपका फोटो भी आ रहा है बाली बरेर एंड प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन और EXT001 करके आ रहा है। इस पे हमारा EXT02 जो भी उसका आईडी है वो आता है और यहाँ पे क्लिक हर टीम का इस तरह से क्लिक हो रहा है, बाकी चार्ट भी क्लिक हो रहा है। तो पूरे चार्ट को हम डिकोड करेंगे बट वन बाय वन करेंगे। तो अगली वीडियोज में हम आपको बताएंगे कि हमने इसको कैसे किया है। ओके तो मेरे साथ बने रहे और इसकी कंप्लीट सीरीज डैशबोर्ड की सीरीज वीडियोस के लिए आप मेरे ऐप पे जाएं, ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक यू।